तो मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2021 के जो पेपर 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम कल यानी कि 13 अप्रैल 2021 के जीके और करंट अफेयर के जो प्रश्न आए हैं तीनों ही शिफ्ट के, वो इसी एक सिंगल वीडियो में देखेंगे। इसे पहले वाले यानी 12 अप्रैल वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे जो है वो प्रश्न। शिफ्ट वन से स्टार्ट जो है हम करते हैं। शिफ्ट वन जो है उसमें सबसे पहले पूछा गया था आपसे कनाडा जो है उसकी राजधानी, तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी जो है वो होती है ओटावा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो कंबाला महोत्सव है वो जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। और पूछने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि किस जानवर को उसमें दौड़ाया जाता है, तो भैंसा जो है, भैंसों को जो है वो दौड़ाया जाता है और कर्नाटक में जो है ये मनाया जाता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लियोनेल जो मेसी हैं वो जो है वो किस देश के हैं, ये एक फुटबॉलर है, ये किस देश के हैं, ये जो है वो अर्जेंटीना के जो है वो हैं। बाबर नामा आपसे पूछी गई थी कि किस भाषा में लिखी गई है, तो बाबर नामा जो है वो तुर्की, और ये बाबर नामा जो है तुर्की भाषा में तो है, इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाबर है उसकी आत्मकथा है। अगला ये पूछा गया था तो एल्टीट्यूड जो है उसको किससे मापा जाता है, एल्टीट्यूड जो है उसको मापा जाता है अल्टीमीटर से, अल्टीमीटर से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 1857 की क्रांति में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने जो है वो किया था। शॉर्ट में हम लिखते हुए चलेंगे, मेन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर एक पुस्तक पूछी गई थी अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी किसकी पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मोनिका अली। इन पुस्तक का नाम क्या है, मतलब राइटर का नाम मोनिका अली, अनटोल्ड स्टोरी। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको अलग करता है, तो ये जो है अंडमान और निकोबार को जो है वो अलग करता है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था नियाबते खुदाई, ये टाइटल जो है वो किसको दिया गया था, नियाबते खुदाई जो है ये बलबन को जो है वो, नियाबते खुदाई ये टाइटल बलबन को जो है वो दिया गया था। साथ ही साथ जिले ए इलाही करके भी जो है इसको बलबन को जो है उपाधि मिली थी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी जो है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो अवार्ड है वो किसे मिला था, उपाधि किसे मिली थी, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है उनको मिला था। एक क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से संबंधित पूछा गया था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, और कब हुआ था, तो तीनों ही आपके 1930 से 32 के बीच हो गए थे, तो लंदन में जो है वो हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बगलीहार जो बांध है वो किस नदी पर जो है वो बना हुआ है, तो काफी चर्चा में रहा था चेनाब नदी पर जो है वो बना हुआ है बगलीहार बांध, रब करते हैं सभी को। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुलग मेडल जो है किसे दिया गया, तो मुलग मेडल पहली बार दिया गया है क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को, अजिंक्य रहाणे को मुलग मेडल जो है दिया गया था। केरल के सबसे युवा मेयर जो है वो कौन है, उनका नाम पूछा गया था, तो उनका नाम है आर्य राजेंद्रन, केरल की सबसे कम उम्र की जो है वो मेयर। पढ़ते हैं थोड़ा सेकंड शिफ्ट की तरफ, वैसे एक दो मिक्स इधर उधर के क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी फर्स्ट शिफ्ट वैसे पर्टिकुलर देख रहे थे। सेकंड शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो पैन इंडिया सर्वे जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो श्रमिक मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया जाता है। एक क्वेश्चन ये था 1857 की जो क्रांति थी, ईस्वी की क्रांति थी, इसमें नॉर्थ ईस्ट की ओर से किसने नेतृत्व किया था, तो कंड परेश्वर सिंह जो है उनके द्वारा जो है वो किया गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं उसमें हरा रंग किसके कारण होता है, तो हरा रंग जो है बेरियम के कारण होता है विस्फोटक पदार्थों में। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्ष 2020 जो है उसमें किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा राशि प्राप्त हुई थी, तो
रोजर फेडरर जो है इनको प्राप्त हुई थी, रोजर फेडरर को सबसे ज्यादा राशि। एक क्वेश्चन था, सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता था? तो बिलियर्ड्स का जब भी नाम देखने को मिलता है, एक ही नाम आपके दिमाग में आता है और वो नाम है पंकज आडवाणी का। तो पंकज आडवाणी जो है वो उन्होंने जीता था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हॉट एयर बलून सात गति कहां पर शुरू हुआ? तो हॉट एयर बलून सात गति जो है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वहां पर जो है वो स्टार्ट हुआ। चेचक के टीके के आविष्कार पूछे गए थे, आप सभी जानते हैं एडवर्ड जेनर जो है वो है। डनिहाल कप आपसे पूछा गया था, डनिहाल कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से जो है ये संबंधित है। फिर सर्वाधिक जो सराय है उनका निर्माण किस शासक ने किया था? तो ये जो है वो शेरशाह सूरी ने जो है वो किया था सर्वाधिक सराय। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत हमें वोट देने का अधिकार जो है वो प्राप्त है? अब चुनाव आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 326 जो है ये आपका होगा। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है उनका नाम पूछा गया था, तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं उनका नाम है अजय भूषण जी, अजय भूषण जी। एक क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने भारत में कब प्रवेश किया था? तो सन 1608 ईस्वी में किया था। WHO के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है उनका नाम पूछा गया था, तो उनका नाम है टेड्रोस घेब्रेसी करके। खाली नाम याद रखना है तो टेड्रोस एधानोम जो है वो याद रखिएगा, इनका नाम है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार जो भी प्रश्न आपके हैं ये हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार हम आपको कराते रहें, तो सभी लोग वीडियो लाइक भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस रसायन के कारण जो यूरिन है उसका रंग हल्का पीला होता है? तो यूरोक्रोम रंजक के कारण जो है ऐसा होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पैसेक्स सैन्य जो अभ्यास है दिसंबर 2020 में किन दो देशों के मध्य जो है वो हुआ था? तो किसके किसके बीच हुआ था? भारत और रसिया रूस जो है उसके बीच हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था होलेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में जो है आपका होलेश्वर मंदिर है। उत्तराखंड जो है उसके नए मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो तीरथ सिंह रावत जो है वो वर्तमान में है। कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को किया जाता है, ये भी पूछा गया था। स्मॉल पॉक्स जो है वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी, सभी जानते हैं। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी जो है वहां है, वो पूछा गया था। राज्यसभा की स्थापना वर्ष पूछा गया था, राज्यसभा की स्थापना वर्ष 1952 जो है वो है। एक क्वेश्चन ये भी था कि हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2020 की कौन थी? तो नाओमी ओसाका जो है वो थी, हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट नाओमी ओसाका। सेसेल्स जो है उसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है उनका नाम पूछा गया था, तो उनका नाम है वेवेल राम क्लावन, ये जो है भी पूछा गया था। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ है? तो राजस्थान में है, ये भी जो है वो पूछा गया था। तो ये सब प्रश्न हो गए आपके सेकंड शिफ्ट के। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो सबसे पहले पूछा गया था बांग्लादेश जो है उसकी करेंसी क्या है, तो मुद्रा वहां पर बांग्लादेशी टका जो है वो चलती है। राजधानी बांग्लादेश की आप सभी जानते हैं ढाका जो है वो राजधानी है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो संपत्ति का अधिकार था उसको संशोधित करके मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये किया गया था। अगला प्रश्न था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे मिला था? तो ये मिला था, इनका नाम था अकीतम अच्युतन नंबोदरी, NAMBOOTHIRI, इन्हें जो है मिला था। तो कौन से नंबर का मिला था? 55वां मिला था। और जो ये पुरस्कार होता है इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी जो है उसकी कांसे की प्रतिमा जो है वो दी जाती है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, उनको जो है वो दिया गया था।
अगला था पत्तियों के रंध्र को क्या बोला जाता है, तो स्टोमेटा जो है वो बोला जाता है, सभी जानते भी हैं। एक था प्रश्न हिमालय के ऊपरी हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो शिवालिक श्रेणी जो है उसका नाम है। एक ये पूछा गया था विक्रमादित्य जो है उसकी पुत्री का क्या नाम था, तो प्रभावती गुप्ता जो है वो पुत्री का नाम था। एक पुस्तक पूछी गई थी हिट रिफ्रेश करके, हिट रिफ्रेश पुस्तक किसकी है, तो सत्य नंडेला की है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। अगला प्रश्न था आपका पोलैंड जो है उसके नए राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है एंड्रेज डूडा, एंड्रेज डूडा जो है पोलैंड के नए राष्ट्रपति जो है वो बने हैं। एक क्वेश्चन था 2018 कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो मीराबाई चानू जो है उन्होंने जीता था। एक क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड था कि विटामिन शब्द किसने लिया, तो पंक जो है उन्होंने जो है वो दिया था। एक क्वेश्चन था ब्लू विट्रोल करके, ब्लू विट्रोल जो है केमिकल नेम उसका क्या होता है, ब्लू विट्रोल का, तो उसका नाम होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है वो होता है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए, अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, तो यहीं से ही थर्ड शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम आपसे पूछ रहे हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष जो है वो होता है। चार ऑप्शन है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, यही सब बार बार रिपीट होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा डेली डेली याद भी करते चलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग जो प्रश्न है वो याद करते हुए चले। आज छोड़ में नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।